25-25 साल के नौजवान थे, हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। लंबे समय तो जेलां च बंद बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा मुड़ तो संसद अंदर गूंजे। अकाली दल तो MP हरसिमरत कौर बादल ने बलवंत सिंह राजवाणा सने दविंदर पाल भुल्लर अते जगतार सिंह हवारा दी रिहाई दी मांग की है, पर दूजे पासे केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कह दिता है कि जिस नूं गुनाह दा पछतावा नहीं उस उत्ते कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री मुताबिक किसी भी थर्ड पार्टी नूं रहम दी पटीशन दाखिल करन दा कोई अधिकार नहीं है अते सिर्फ जिस नूं सजा हुई है उही रहम दी पटीशन दाखिल कर सकेगा, पर उन्हें साफ किया है कि राजवाणा नूं कोई भी मुआफी नहीं मिलेगी। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह करकर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोले हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उधर हरसिमरत कौर बादल ने इस नूं मनुखी अधिकारां दी उलंघना करार दिता है। हरसिमरत बादल ने अपने भाषण च बोलदिया कहा है कि छोटी उम्र च भावनावां चाह के बंदी सिंघां ने जुर्म किते, पर हुण उन्हां दी उम्र 65 सालां दे करीब पहुंच चुकी है अते उह अपना आखिरी वक्त हंडा रहे ने, जदके इस दे बावजूद भी सरकार उन्हां नूं समाज लई खतरा मन रही है। 25-25 साल के नौजवान थे, हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजुआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके, वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए, तो हूँ उन्होंने सारे 28-28, 30-30, 35-35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने सर। वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वेयर इन लीगल प्रूडेंस डज इट से दैट यू कैन जस्ट बी इम्प्रिजन्ड फॉरएवर विदाउट एनी, आपको कोई इंसाफ ना मिले? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है सर। एक मिनट, पांच मिनट सर। सर, हियर आई वांट टू से दैट इन द मर्सी पिटीशन, जो आपने मर्सी पिटीशन के बारे में कहा है सर, फॉर एग्जांपल हमारे भाई राजुआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद है क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says besides his family nobody can apply for it also. If the person has no family sir, unke maa baap je mar gaye to kaun karega? ये कहां से ये आप ये लेके आ रहे हैं? और 12-12 साल को इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि यह मर्सी पिटीशन वाला जी। तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8x8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी, तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे उन्होंने बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं, अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए, तो जब वो उनको कोई सोसाइटी रहे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता सर? जस्ट 2 मिनट्स मोर सर। गुरु साहब के साढ़े 500 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था, आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि व्हेन रिमिशन हैज बीन ग्रांटेड, व्हेन दिस व्हेन दीस प्रिजनर्स आर गोइंग टू बी सेट फ्री व्हिच यू प्रॉमिस्ड इन 2019,
आज तक नहीं हुआ। दसी है कि संसद च गृह मंत्री नवे पास किए कानून बारे बोल रहे सी, जिस मुताबिक हुण सिर्फ उही व्यक्ति रहम दी पटीशन दाखिल कर सकेगा जिसनू सजा मिली है। जबकि इत्थे भी जिक्र जोगे कि राजवाणा दी रहम पटीशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाई गई सी, तां सीधे तौर ते हुण इह रहम पटीशन अजोग मनी जावेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।